मैम शुरू हो गई। अगर स्टैंड हल्का सा मेरा धार कौन है तो फिर स्टैंड ऐसे रखो कि किसका पैर बैठ ना लगे। मैम लेकिन जैकेट लेवल लो मैं भी इसको बढ़ा दे मैम ऑन कर दी। देखो हम लोग पढ़ेंगे आज इंडियन ज्योग्राफी। क्या पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे? इंडियन ज्योग्राफी। वेरी गुड। तेज बोलो। क्या नाम है तुम्हारा? शिवांगी पांडे। हाँ शिवांगी पांडे बहुत तेज बोली है इंडियन ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी में क्या क्या पढ़ सकते हैं हम लोग ये बताओ पहले। नदियाँ पर्वत पठार और जिले ज्वालामुखी भूकंप वो तो हम पढ़ चुके हैं। इसमें है पर हम इसमें नहीं पढ़ेंगे बस ज्वालामुखी क्षेत्र पढ़ लेंगे भारत का आस्पेक्ट से। और भूकंप तो बहुत आ रहा है इस समय इसको पता चला परसों वाला भूकंप परसों आया बहुत तेज आया Thank you.
अच्छे होता है। और कोई भारत के बारे में सामान्य जानकारी बता दी? बता दी, आप सब शर्मा रहे हो। मतलब शर्माने मतलब नहीं है, हाँ। तो सामान्य बात क्या है, जो जैसा बताना था यही सब बताया, उसके दिमाग से कुछ मिस हो गया है। आप बैठ कर लड़कियों बताओ, ध्रुव 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 नाम है ना, क्या नाम है, ध्रुव नाम है ना आपका, आपका अच्छा ध्रुव का नाम, ध्रुव नहीं आता है ना, अभी नहीं आ रहा है तो मुझे लगा आपका नाम क्या है, नाम क्या है, जगदीश कुमार है और नीरज है, ठीक है, मुझे लगा ध्रुव है, ध्रुव नहीं आ रहे। पहली बात देखो, आज हम पढ़ेंगे भारत की अवस्थिति, भारत का विस्तार कहाँ पर है, पूरे ग्लोब में भारत किस जगह अवस्थित है, यानी कि आपका घर कहाँ है, पूरे इंडिया में आप लोग कहाँ रह रहे हो, पूरे इंडिया में आप लोग भारत में रह रहे हैं। आंसर देखो कैसे कैसे मिल रहे हैं, पूरे भारत में रह रहे हैं, कहाँ, इंडिया में, यूपी में, यूपी में भी, कौन से डिस्ट्रिक्ट में, पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट में, पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट में, पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट जो है उत्तर, मतलब उत्तर प्रदेश के कौन से क्षेत्र में पड़ रहा है, उत्तर नहीं, उत्तर पूर्व में ना, उत्तर पूर्व, ऐसे क्या है आपके भारत की लोकेशन है कहाँ पर, ग्लोब पर, अब ग्लोब पर भारत कहाँ पड़ रहा है, उत्तर पूर्वी, ग्लोब अंडा सा बन रहा है, चलो कोई दिक्कत कोई बात नहीं, भावना को समझ रहे, भावना को समझो, ये है इक्वेटर जो नॉर्थन स्फीयर और सदर्न स्फीयर में डिवाइड कर रहा है, जिसको आपके ग्लोब, अब बात नहीं करो शिवांगी पांडे, और ये है 0 डिग्री देशांतर, जो ग्लोब को किसमें डिवाइड कर रहा है, ईस्ट वेस्ट और ईस्ट में, यानी कि पश्चिम और पूर्वी। अब क्योंकि ये क्या है, गोला है ना, गोले को हमने आधा करा तो ये गोलार्ध हो गया, और यहाँ भी क्या हो गया, आधा करा तो ये गोलार्ध हो गया। अब ये वाला गोलार्ध कौन सा है, उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्वी, ये वाला गोलार्ध कौन सा है, दक्षिण, और ये वाला गोलार्ध पश्चिम, दक्षिण या दक्षिण पश्चिम, ये उत्तर पश्चिम, समझ में आ गया। अब जो भारत की अवस्थिति है वो कहां पर है, उत्तर पूर्व, तो हम क्या कहेंगे, जो भारत ग्लोब पर स्थित है वो कौन से गोलार्ध में स्थित है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। अब हम अक्षांश की बात करेंगे, तो कौन से अक्षांश है, कौन सा अक्षांश का विस्तार है, देखो ये क्या मैंने बताया 0 डिग्री, ठीक है, हर एक डिग्री पे क्या खींची गई थी, अक्षांश रेखा खींची गई थी, जो भारत स्टार्ट हो रहा है, अभी मैं भारत को सिर्फ ऐसे बना रही हूँ, छोटा बनाऊं, चलो समझ नहीं लेंगे, ये समझो भारत की मुख्य भूमि है, क्या है ये, भारत की मुख्य भूमि, भारत की मुख्य भूमि का विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक, समझ में आ गया कौन सी मुख्य भूमि का। अब भारत के द्वीपों को मिलाएंगे, भारत का द्वीप अंडमान और निकोबार, अंडमान निकोबार ये रहा, नीचे ही हो गया बेटा, ठीक है, ये बना दिया मैंने 6 डिग्री 6 डिग्री 4 मिनट, अंडमान निकोबार को मिला के भारत का विस्तार कहाँ आ रहा है, 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, इतनी बात क्लियर हो गई, ये कौन सा है, भारत का अक्षांश विस्तार, क्योंकि ये जो हमारी लेटी हुई रेखाएं हैं वो क्या है, अक्षांश है ना, ये अक्षांश विस्तार है। अब ये पूछा जाएगा नॉर्थ है या साउथ है, नॉर्थ, वेरी गुड, अक्षांश विस्तार की बात करके अब हम देशांतर की बात करेंगे, क्योंकि 0 डिग्री से इधर है, ऐसे ऐसे जैसे यहाँ पर खींचे हैं तो प्रत्येक देशांतर खींचा जाएगा, तो यहाँ पर जो भारत का कौन सा है, ये पश्चिमी, और ये भारत का पूर्वी,
जो भारत का पश्चिमी देशांतर है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 68 डिग्री 60 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट 68 डिग्री 60 मिनट से 97 25। और ये पूर्वी होगा या पश्चिमी होगा? पूर्वी होगा, क्योंकि हम भारत की अवस्थिति की बात कर रहे हैं ना, तो अवस्थिति किसमें है? पूर्वी और उत्तरी गोलार्ध में। तो देशांतर को हम पूर्वी से दिखाएंगे और अक्षांश को हम दिखाएंगे उत्तर से। समझ में आ गया? इसलिए हमने इसकी बात कर ली। अभी मैंने चतुर्थकोष्ठी बनाया, ये क्या बनाया आपका? भारत बना रहे हो क्या? इसमें बना लिया, बना लिया, बना लिया, बना लिया, बना लिया, सभी बना लिया अभी नहीं बना। अगर बना रहे हो तो, नहीं बना रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं। और जो सबसे उत्तम उत्तर में बिंदु है उसको क्या कह रहे हैं? इंदिरा
ढाई घंटे का अंतर होता है, साढ़े छह दो घंटे का, तीस लगभग तीस की बात कर रहे हैं ना, 30 × 4 × 120 60 मिनट का एक घंटा होता है, तो ये 2 घंटे हो गए, तो 2 घंटे का फर्क पड़ता है। ईस्ट से बेस्ट इसमें 30, हाँ सूर्योदय सबसे पहले ईस्ट होगा फिर बेस्ट, ईस्ट से बेस्ट या वैसे ईस्ट की बात करेंगे। अब सुन लो यहाँ पर, अगर यहाँ से करेंगे तो यहाँ पर टाइम प्लस में जाएगा 2 घंटा प्लस में, और यहाँ पर टाइम माइनस हो जाएगा 2 घंटा माइनस में। कभी ऐसे पूछा जाएगा अगर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 4 बज रहे हैं, शाम के 4 बज रहे हैं, तो यहाँ पर किस समय यहाँ पर आपके अरुणाचल प्रदेश में कितना टाइम हो रहा होगा, तो अब बताओ अगर यहाँ शाम के 4 बज रहे हैं तो अरुणाचल प्रदेश में कितना हो रहा होगा, आपके टर्न कर देंगे, जैसे लैंग्वेज घुमा दी दिमाग भी घूम गया, तो यहाँ पर ये याद रखना यहाँ प्लस में रहेगा और यहाँ पर माइनस में रहेगा, कंपेयर किसका करोगे, इसका और इसका, ठीक है इतनी बात क्लियर हो गई। अब भारत की जो टाइम जोन है कहाँ से निकल रही है, इलाहाबाद से, इलाहाबाद के नैनी से, मैम नैनी नामक मिर्जापुर बात की थी, नैनी मैंने इलाहाबाद में देखा है, नैनी स्टेशन जो है इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट में ही पड़ता है, क्या कह रहे हो, मिर्जापुर का क्षेत्र आपको बनारस की साइड से लगता है, हाँ नैनी तो इलाहाबाद में है, मैंने देखा है ना स्टेशन नैनी का, मतलब जब गए होंगे सफर, जब सफर कर रहे थे तो नैनी स्टेशन पड़ी थी, इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट में पड़ी थी। तो अब मिर्जापुर में भी ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, एक ही नाम से दो जगह होती हैं, पर यहाँ जो नैनी की बात करे गए हैं वो वहां की कर रहे हैं आपके इलाहाबाद के, तो इलाहाबाद के नैनी से निकलती है, साढ़े 82 डिग्री देशांतर, देशांतर है ना टाइम जोन की बात कर रहे हैं, इसलिए क्या है देशांतर, कहाँ से निकल रही है इलाहाबाद के नैनी से। अब कितने राज्यों से होकर गुजरती है ये, 5 राज्य कौन कौन से सिक्वेंस से बता दो, यूपी एमपी छत्तीसगढ़ उड़ीसा और एपी, ये क्या है 4 राज्य है, जैसे मैंने ये लाइन खींच दी ना 82.5 डिग्री की, तो यहाँ से क्या सीधे सीधे 4 राज्य यूपी एमपी छत्तीसगढ़ उड़ीसा और आपका आंध्र प्रदेश, इन 5 राज्यों से क्या गुजर रही है आपकी मानव रेखा, और साथ ही साथ हिंद महासागर से गुजरेगी या बंगाल की खाड़ी से, बंगाल की खाड़ी होते होते आपके हिंद महासागर में भी जाएगी, क्लियर हो गई इतनी बात की नहीं, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी दोनों से होकर गुजरेगी। कर्क रेखा पता है भारत के बीचों बीच है, यहाँ बहुत किचन पिक्चर हो गई है ना, दूसरे कलर से कर दी गई, नहीं और मैं पूरा मिला भी इसमें बड़ा रहे, अब इंडिया का मैप बनाऊंगी ना, साढ़े 23 डिग्री नॉर्थ, ये कौन सी आपकी कर्क रेखा, और कर्क रेखा भारत की कितने राज्यों से, 8 राज्य बताओ, पूरब से पश्चिम, पूरब से पश्चिम, पश्चिम से पूरब में, पूरब से पश्चिम, पता है ना सीक्वेंस, पता है राज्यों का पूरब से पश्चिम, पश्चिम से पूरब, मिजोरम त्रिपुरा पश्चिम बंगाल झारखंड छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश राजस्थान गुजरात, ठीक है समझ में आ गया, ये आपके पूरब से पश्चिम का क्षेत्र है, वो ये लाइन हो गया सीक्वेंस, अगर आप पश्चिम से पूरब जाएंगे तो पहले आएगा गुजरात राजस्थान मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ झारखंड पश्चिम बंगाल त्रिपुरा और मिजोरम,
ये सीक्वेंस है, लिखना है ना पूरब से पश्चिम लिख लो, पूरब से पश्चिम लिखोगे पश्चिम से पूरब, पूरब से पश्चिम बता दो, पूरब से पश्चिम तो पहले लिखो मिजोरम, ऐसे लिखो हेडिंग डाल के पश्चिम से, जैसे आपको सिचुएशन लग रहा हो वैसे लिखवा दो जी, आप बताओ पश्चिम से पूरब या पूरब से पश्चिम, तुम लोग पूरा पश्चिम मत करो, तुम लोग पहले एक बिंदु पर आ जाओ, पश्चिम से पूरा विधि जैसे जैसे लिखना है याद करने के लिए से गुजरात रिवर्स करना है दोनों को, बस आपको याद रखना होगा, चलो पश्चिम से पूरब कर दो, मैं वहां पे लिख दो वरना ये लोग वैसे डिस्कशन करेंगे, गुजरात आरजे राजस्थान, एमपी मध्य प्रदेश, सीएच छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड, फिर वेस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल के बाद त्रिपुरा और त्रिपुरा को टीपी, चलो टीपी से जे की जम्मू कश्मीर है, कहाँ जेपी लिखा है, जेके झारखंड जेएच लिखो बस वही, चलो जेएच कर ठीक है झारखंड, अब हिंदी में लिख लो गुजरात, मैं तो लिख ही नहीं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, त्रिपुरा मिजोरम, अच्छा ये बताओ बंगाल तो एक है उसको हम पश्चिम बंगाल क्यों कहते हैं, पश्चिम में है क्योंकि बंगाल ये है तो पूर्व में, लेकिन जो बांग्लादेश है ये पहले एक रीजन था, इसको भी पहले बांग्लादेश है या बंगाल एक रीजन था, बांग्लादेश इंक्लूड था उसमें, हाँ तो वो पूर्वी पाकिस्तान, जब क्या हुआ बंगाल विभाजन हुआ तो पूर्वी बंगाल को अलग कर दिया, अब क्या है जो हमारा पूर्वी बंगाल था वो कहाँ पहुँच गया है बांग्लादेश, वैसे अब इसको संशोधन कर देना चाहिए ना, पश्चिम बंगाल की जगह बंगाल कर देना चाहिए, पश्चिम में अरब सागर,
भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी, भारत के दक्षिण में हिंद महासागर। हिंद महासागर में नहीं लिख रही हूँ, हिंद महासागर समझ लेना, दक्षिण में क्या है हिंद महासागर। जितना मैं बनाऊंगा उतनी प्रैक्टिस हो जाती है। जल्दी डाल दो कंट्रोल कुल मिलाकर ये क्या है पीओके।
और ये क्या है सीओ के है ना, पीओ के मतलब पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, सीओ के मतलब चीन ऑक्युपाइड कश्मीर। चीन ऑक्युपाइड कश्मीर और भारत के बीच में जो सीमा रेखा है उसको कह रहे हैं एलएसी, लेके हमेशा विवाद, ठीक है, जिसको लेके हमेशा विवाद रह रहा है। ये अपना हिस्सा बताता है वो अपने, और भारत और पाकिस्तान के बीच में जो लाइन है उसको कहते हैं एलओसी, लाइन ऑफ कंट्रोल। क्या हो गया, क्या कह रहे हो सर, आप सुनते जाओ। आप जो गुजरात, गुजरात के कच्छ से लेकर जम्मू कश्मीर का अब ये लाइन तो है ही है, यहाँ तक जो अफगानिस्तान की सीमा नहीं लग रही है, इस लाइन को कहते हैं हम रेड क्लिफ्ट रेखा, रेड क्लिफ्ट। गुजरात की कच्छ जो मेन बाउंड्री है भारत की, किसके साथ लग रही है आपके, पाकिस्तान के साथ, गुजरात से लेकर जो आपके जम्मू कश्मीर के कहां तक अफगानिस्तान की सीमा तक है उसको हम कह रहे हैं रेड क्लिफ। जब बंटवारा नहीं हुआ था, अब तो क्या है, अगर हम बात करें डुरंट रेखा, अब किसके बीच में आ रही है, अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच में ना भैया, अभी ये किसका पार्ट है, पीओके का है ना, तो अफगानिस्तान से टच नहीं हो रही भारत की भूमि, हो रही है क्या, बात सुन लो मेरी बात, आप कह रहे हैं डुरंट रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच में है, ठीक है, पर यहाँ पर क्या है, अभी पीओके का हिस्सा है ना ये, तो अभी कहाँ से टच हो रही है, पीओके के साथ हो रही है किसकी, अफगानिस्तान की सीमा, तो डुरंट रेखा किसके बीच है आपके, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। हम क्यों कह रहे हैं, अगर पाकिस्तान को ब्रैकेट में भी लिखना है तो आप कैसे लिखोगे, पीओके, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। समझ में आ गई इतनी बात। अब आप बात करते हैं मैकमोहन रेखा की, मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच में है। अब मैकमोहन रेखा कहां से कहां तक लगती है, ये भी पूछा जाता है, अरुणाचल प्रदेश और चीन के बीच जितनी है, जम्मू कश्मीर और ये अरुणाचल प्रदेश वाली जितनी भी सीमा है किसके चीन के साथ लग रही है उसको क्या कह रहे हैं, मैकमोहन रेखा। सीमा है ना सब, हाँ, एलएसी कहाँ पर है ये भी बता दिया, एलओसी कहाँ पर है ये भी बता दिया, पाकिस्तान में रेड क्लिफ और अफगानिस्तान में डुरंड, पहुंच नहीं पाऊंगी आप लिख लेना, मैं लिख दिया, लिख लिया, और ये आपकी मैप है। सिक्किम, लिख लिए,
बोलना है ना, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। जम्मू कश्मीर का पार्ट है, फिर आपका हिमाचल आ गया, इस तरह से डिवाइड हुआ है। तभी तो मैं कह रही थी मैप में मंगवा लूंगी, हटा दिया। अब सुन लो मेरी बात, नेपाल हो गया, भूटान के साथ सीमा लगाने वाले देश कौन कौन से हैं? सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। मणिपुर नहीं आएगा, मणिपुर इधर है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, कहां से लगाएगा? मणिपुर ये रहा और ये आपका ये हो गया, देखो ये अरुणाचल प्रदेश हो गया इतना, फिर आपका ये असम आ जाता है यहाँ पर ही, और ये आपका आ गया मेघालय। समझ गए, ये असम है, ये आपका मेघालय, फिर ये आपका मिजोरम, त्रिपुरा। अब लिखो भूटान, लिख लिया ना, भूटान के साथ सीमा लगाने वाले राज्य सिक्किम था, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, असम नहीं आएगा, असम नहीं आएगा, असम नहीं आएगा, असम आएगा, असम आएगा, असम आ रहा है, दिखाओ। भूटान से, भूटान से असम आ रहा है, अच्छा ये कटा है, ठीक है, आधा है, ऐसे है कुछ हिस्सा होगा, ये है और दो असम, ऐसे लिखे मैम असम, हाँ लिख लो, ये एपी है, ये असम है और ये आपका मेघालय। नागालैंड आ जाएगा, मणिपुर आ जाएगा, त्रिपुरा और क्या? नहीं नहीं बस सीमा लगाने वाले जो देश बोल रहे हो वही लिखो आप, ये लिखो मत, मैंने पहले ऐसे बनाया। भूटान लिख दिया, अब भूटान के साथ अब कौन सा देश बच रहा है? म्यांमार, म्यांमार के साथ लिख दो, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। हो गया, लिख लिया, ऐसे लिखो, सीक्वेंस यही है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, सिक्किम ही रहा, सिक्किम नहीं है। अब हम बात करेंगे बांग्लादेश के साथ, बांग्लादेश के साथ सीमा लगाने वाले देश पश्चिम बंगाल हो गया, पश्चिम बंगाल के बाद मेघालय हो गया, मेघालय के बाद असम हो जाता है, असम के साथ आपका त्रिपुरा और मिजोरम। ऐसे लिखो, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद मेघालय, मेघालय के बाद असम, असम के बाद त्रिपुरा और मिजोरम। त्रिपुरा जो है बांग्लादेश से तीनों तरफ से घिरा हुआ है। अब अगर मैं यहाँ पर बांग्लादेश का थोड़ा सा ऐसे बना दूं तो बांग्लादेश ऐसे है, समझ में आ गया? बांग्लादेश कैसे कुछ इस तरह से आएगा, ये आपका पूरा बांग्लादेश की है, बांग्लादेश की बाउंड्री ऐसे करते हैं। मैप क्लियर हो गया इतना, उत्तर की सारी चीजें हो गई। अब हम बात करेंगे भारत की समुद्री सीमा से लगने वाले राज्य कौन कौन से हैं? कितने राज्य भारत की समुद्री सीमा से लगते हैं? नौ राज्य लगते हैं। नौ राज्य में गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, ठीक है ना? ये राज्य है ना, लगते हैं। अब लिखोगे? चलो लिख लो, पहले भारत के तटवर्तीय राज्य गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, तमिलनाडु, वो सॉरी केरल, केरल के बाद तमिलनाडु, एक मिनट बोलो क्या, एक मिनट जाओ आप, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक,
कर्नाटक के बाद केरल, केरल के बाद तमिलनाडु, तमिलनाडु के बाद आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद उड़ीसा, उड़ीसा के बाद पश्चिम बंगाल। हम नॉर्मली आपसे ऐसे भी पूछ रहे हैं ना, अरब सागर से लगने वाले राज्य और बंगाल की खाड़ी से लगने वाले राज्य, तो तमिलनाडु दोनों, तमिलनाडु क्या कर रहा है, अरब सागर से भी लग रहा है, बंगाल की खाड़ी से भी लग रहा है और हिंद महासागर से भी लग रहा है। समझ में आएगी मेरी बात, क्योंकि केरला क्या है ऐसे है, केरला क्या है ऐसे और तमिलनाडु का आपका किससे लग रहा है, बंगाल की खाड़ी, सॉरी बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर से कौन सा राज्य लगता है आपका, तमिलनाडु। ये तो हमने बात करी भारत से जो पड़ोसी देश लग रहे थे बिल्कुल उसकी सीमा को क्या कर रहे हैं, साझा कर रहे हैं। भारत के दो पड़ोसी देश या एक पड़ोसी देश ऐसा है जो उसकी समुद्री सीमा को साझा करता है, कौन सा वो देश है, श्रीलंका। ये जो देश की बात करी थी हमने भारत के पड़ोसी देश, ये भारत के किससे लग रहे हैं, स्थलीय सीमा से है ना, और एकमात्र ऐसा श्रीलंका जो क्या है समुद्री सीमा से लग रहा है भारत के, लग रहा है किससे, कैसे लग रहा है भारत से, यहाँ पर हिंद मिटा दो जरा, ये जो मैंने थोड़ा सा बनाया है पम्मन द्वीप बनाया है, सुना है पम्मन द्वीप, जहाँ पर रामेश्वरम है, और पम्मन द्वीप से ही क्या निकल रहा है आपका, एडम ब्रिज है ना, आदम का ब्रिज, आदम का ब्रिज कहाँ से निकल, पम्मन द्वीप से, जो किसमें मिल रहा है, राम सेतु कहते हैं, और ये कैसे मिल रहा है, श्रीलंका से मिल रहा है। श्रीलंका और भारत के मात्र कितने कितने किलोमीटर दूर है, मात्र 32 किलोमीटर दूर है, चले जाओगे, आप सुनो ये पांच जलडमरू मध्य है ना, पांच जलडमरू मध्य क्या नाम पर है, उत्तर में है, जबकि नीचे क्या है ये मन्नार की खाड़ी, सुनते जाओ, ये पांच जलडमरू मध्य और ये क्या है आपका मन्नार की खाड़ी। श्रीलंका भारत से किससे अलग हो रहा है, पांच जलडमरू मध्य से। भारत के द्वीप की बात करें यहाँ पर ही बनाते रही हूँ, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, क्या हुआ चरण देखिए ना, बंगाल की खाड़ी मत लिखो, अरे शांत रहो, यहाँ देखो शेफ, अब यहाँ देखो श्रीलंका को बताया था ऊपर क्या है पाक की खाड़ी, जिससे क्या हुआ श्रीलंका और भारत अलग अलग हो गए, नीचे क्या है दक्षिण में मन्नार की खाड़ी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो गया, और एक द्वीप यहाँ पर आता है लक्षद्वीप, और साथ ही साथ है मिनिका मालदीव नीचे। अब हम बात करेंगे डिग्री चैनल अलग करने की, कौन सा डिग्री चैनल कौन से को अलग कर रहा है, अभी नहीं बनाया मैंने डिग्री चैनल, अभी बनाया है तो भी एक कभी हाँ बना दिया कोको दी, जब डिग्री चैनल बताऊंगी तो दीप भी बनाते जाऊंगी। आप सुन लो कौन सा चैनल किसको अलग कर रहा है, ये बात क्लियर करते हैं, स्ट्रेट रोड चैनल में स्ट्रेट बड़े होंगे चैनल छोटे होंगे, आप सुनो देख लिया कितना बताया, क्या सर्च कर रहे थे, 48 रामेश्वरम द्वीप से श्रीलंका की 48 किलोमीटर दूरी,
48 32 नहीं है रामेश्वरम श्रीलंका का सबसे नजदीकी शहर है भारत का जहाँ से आया होता है चलो फिर 48 हो गया फिर वो कर लेना क्या कर लेना करेक्शन कर लेना उसने सर्च कराया 32 नहीं है 48 मुझे 32 की याद है सुनो लक्षदीप और मिनिकाय लक्षदीप और मिनिकाय को जो अलग कर रहा है 9 डिग्री अक्षांश रेखा किसको अलग करिए लक्षदीप को मिनिकाय से फिर उसके बाद है आपका एक देश है कौन सा है मालदीव मालदीव और मिनिकाय को जो अलग कर रहा है वो 8 डिग्री चैनल अलग मालदीव और मिनिकाय को 8 डिग्री देखो ऐसे लक्षदीप चित्र ऐसे बना लो सुन लो लक्षदीप बनाया मिनिकाय बनाया बीच में बना दिया 8 डिग्री चैनल ठीक है मिनिकाय नीचे बना लेना आपकी कॉपी में जगह होगी मेरे पास जगह नहीं है नीचे बना लो मालदीप मालदीप और मिनिकाय को अलग कर रहा है 8 डिग्री चैनल मिनिकाय के नीचे ही बनेगा मालदीप मिनिकाय के हाँ लक्षदीप के नीचे मिनिकाय मिनिकाय के नीचे मालदीप और एशिया महाद्वीप का सबसे छोटा देश है मालदीव जिसकी कैपिटल है माले और एशिया महाद्वीप देखो एक ऐसा महाद्वीप है जिसमें सबसे बड़ा देश क्या है रशिया और सबसे छोटा देश क्या है आपका मालदीव एशिया महाद्वीप की मैंने बोली वर्ल्ड की बात नहीं कर रही वर्ल्ड की तो रेफरेंस है आप सुन लो आप 10 डिग्री जो चैनल है वो कर रहा है अंडमान निकोबार को अलग 10 डिग्री चैनल अंडमान निकोबार अभी चल रहे हैं हाँ बेटा ये 10 डिग्री चैनल
ये लिख दिया कोको चैनल जो ये पानी की जल राशि है ना इसको क्या कह रहे हैं कोको चैनल और यहाँ पर जो सागर है उसको कह रहे हैं लक्षद्वीप सागर लक्षद्वीप और मिनिकाय के बीच में 9 डिग्री है मिनिकाय और मालदीव के बीच में 8 डिग्री है लक्षद्वीप सागर
के लिए बनाना चाहते हो तो बना लो, हमेशा याद रहेगा लॉन्ग लाइफ। और ऐसे दिमाग में समझ में रहे जैसे 12 नॉटिकल मील, आप सुनते जाओ। अभी बता रही हूँ, भारत का जो तट है वो सीधा नहीं है, कटा छटा है ना। कटा छटा होने के कारण अब हम लाइन खींचेंगे, अब देखो यहाँ से अगर 12 लेंगे तो यहाँ पर एरिया ज्यादा हो जाएगा, यहाँ से 12 लेंगे तो यहाँ पर एरिया कम हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। इसलिए हमने एक काल्पनिक रेखा की थी, जैसे अभी तक आप काल्पनिक रेखा पढ़ रहे हो ना, कर्क रेखा काल्पनिक है, मकर रेखा काल्पनिक है, अक्षांश काल्पनिक है, देशांतर काल्पनिक है, ये सारी काल्पनिक रेखा है ना। ऐसे हमने क्या आधार रेखा को भी क्या मान लिया है, काल्पनिक रेखा माना है। और कैसे माना है, जो भारत की कटी छटे तटीय रेखा है उसका जो निकलता हुआ पार्ट होगा उससे हम सीधी रेखा मिलाएंगे, उसके अंदर चाहे कितनी भी भूमि आ रही हो हमें उससे मतलब नहीं है। बीच में जो पानी आएगा वो क्या होगा, आंतरिक जल आएगा। आंतरिक जल वैसे समझ लो जैसे आपकी झीलें होती है, तालाब होता है ना, झीलें हैं, नदियां हैं, ये सब किस में आ रही है, आंतरिक जल में आ रही है। तो ये हम आंतरिक जल मान रहे हैं, बाकी इधर की आधार रेखा के बाद का जो जल मान रहे हैं वो हम समुद्री जल मान रहे हैं। क्लियर हो गया, बाकी हम किसको मान रहे हैं, समुद्री जल। अब 12 नॉटिकल मील यानी कि आधार रेखा जो हमने काल्पनिक रेखा खींची है उससे 12 नॉटिकल मील जाने पर क्या मिलेगा, भारत का वैसा ही अधिकार होगा जैसा भारत की अपनी मुख्य भूमि पर होता है। साफ सफाई करने का अधिकार भारत का इस पर होगा, जैसा अधिकार भारत अपने मुख्य भूमि पर रखता है उतना ही अधिकार भारत 12 नॉटिकल मील तक रख सकता है। अब 12 नॉटिकल मील से 24 नॉटिकल मील तक जाने आधार रेखा से होगा या 12 ये यहाँ से होगा, आधार रेखा से बस हम ये मानेंगे, बाकी हम सब इससे मानेंगे 12 नॉटिकल मील से। लाइन से बात नहीं करो, सेल लंगन क्षेत्र 24 नॉटिकल मील तो आधार रेखा से होगा ना। नहीं बेटा यही सही है, आधार रेखा से नहीं, इससे आधार रेखा से होगा। और 12 नॉटिकल मील से 12 आगे लंगन मील तक, पर मैंने 12 इसी से ही देखा है। चलो तुम लोग कह रहे हो तो देख लेंगे, एक बार कंफर्म कर लेना ठीक है। यदि भारत से लेंगे तो ये 36 हो जाएगा ना, अगर 24 यहाँ से लेंगे फिर 12 बोलोगे 36 तो आधा रहेगा। 36 यहाँ से होगी ना, यहीं से होगी, 0 डिग्री से 36 24 और 0 डिग्री से 200 मैं दो बस ये हो गया ऐसे को मतलब ऐसे तो पूरा इंडिया ही कवर कर लेगा, ऐसा नहीं होगा। चलो ये हो गया 200 नॉटिकल। आप सुनते जाओ, ये हमारा है प्रादेशिक क्षेत्र, संकलन क्षेत्र, ये हो गया आर्थिक ईसी आर्थिक इकोनॉमिक जोन, क्या कह रहे हैं उसको, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ना, एक्सक्लूसिव को हिंदी में बताओ, समावेशी नहीं है। एक्सक्लूसिव को हिंदी में क्या कह रहे हैं, अनन्य अनन्य आर्थिक क्षेत्र। आप सुनो, प्रायोगिक क्षेत्र यानी कि टेरिटोरियल जो आपका एरिया है जोन है उसमें क्या है, भारत का वैसा ही अधिकार है जैसा भारत का आपकी मुख्य भूमि पर है। उसके बाद 24 नॉटिकल मील में क्या लग रहा है आपका, जैसे कोई जहाज व्यापारिक जहाज भारत में एंटर कर रहा है, अगर यहाँ आया और भारत में उसको भारत में नहीं आना है वो भारत की सीमा के अंदर आ गया तो भारत उससे कर वसूल लेगा, समझ में आ गया। चाहे भले ऐसे आके इसको ऐसे टर्न हुआ और अगर इसके अंदर आ गया तो भारत क्या करेगा, कर वसूलने का अधिकार किसको है, भारत को है। इसी बीच कोई भी नए द्वीप बनेंगे तो उस पर किसका अधिकार होगा, भारत का अधिकार होगा, किसमें, 24 नॉटिकल मील में। अब बात करते हैं 200 नॉटिकल मील तक, इसमें क्या होगा, इसमें भारत अनुसंधान कार्य कर सकता है, समुद्र क्षेत्र में जितने भी अनुसंधान कार्य होंगे वो कौन कर सकता है, भारत। इसके बाहर जो समुद्र होगा उस पर सभी देशों का अधिकार होगा, इसके अंदर 200 नॉटिकल मील के अंदर जितना भी अधिकार होगा वो किसका होगा, भारत का होगा। और 200 नॉटिकल मील के बाद भारत का अधिकार नहीं होगा, किसका अधिकार होगा, सारे देशों का अधिकार होगा, चाहे भारत का भी होगा। और मैंने क्या कहा, सभी देशों का, सभी देशों का भारत भी आएगा ना, आपने पहले बोला था भारत का नहीं होगा, भारत स्वतंत्र रूप से नहीं होगा ना,
कहो कि मेरा ही एकाधिकार है, एकाधिकार भारत का नहीं होगा, स्वतंत्र रूप से एकाधिकार भारत का ना होके सारे देशों का होगा। क्लियर हो गई बात है? नहीं, इतनी बात में कोई डाउट है? फिर से एक बार बता दूं, ये मैंने आधार रेखा बनाई, आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील तक वैसे ही अधिकार होगा जैसा आपके आपके कमरे पर अधिकार। आप अपने कमरे में कोई भी पेंटिंग लगाना चाहें, कुछ भी लगाएं, जो भी पोस्टर लगाना चाहें लगाएं। आपकी मम्मी, आपके भैया, आपके पापा आपसे कुछ नहीं बोलेंगे। बिस्तर आपका पूरे दिन सड़ रहा है तो सड़ते रहने दीजिए, डांट भले पड़ेगी पर क्या है, समझ ही नहीं रहेंगे। मैं बात कर रही हूँ पैसा, कमरा, ये हमारा कमरा हो गया, ठीक है? बेसिक मतलब आपका एक निजी कमरा है, जैसा आप चाहो रखना। आप अपना कमरा साफ सफाई रखना, क्योंकि साफ सफाई की बात कर रहे हैं हम, तो साफ सफाई आपकी रहेगी। उसके बाद थोड़ा सा आपके कमरे के बाहर निकलेंगे, आपका क्या होगा, आंगन, आंगन होगा। आंगन में भैया देखो, जब लॉबी होगी उसमें आप भी बैठोगे, आपके परिवार के मेंबर भी बैठेंगे, तो यहाँ पर जो नए दीप बनेंगे उसमें क्या होगा, आपका अधिकार होगा। इसी में कोई मेहमान आया, तो कोई मेहमान देखो आपका सगा मतलब बहुत खास आपका मित्र आया, तो आप उसको पर्सनली अपने कमरे में ले गए, है ना, ले जाओगे। अगर कोई ऐसा होगा कि कमरे में हमें नहीं ले जाना है, बाहर का मेहमान, तो उसको क्या है, लॉबी में बिठा लोगे ना। तो ये इस तरह की लॉबी होगी जहाँ पर ट्रेड यानी कि कोई भी व्यापारिक, समुद्री व्यापारिक आया जहाज, उससे क्या है, कर वसूलने का अधिकार किसको होगा, भारत को होगा। और कहाँ पर होगा, 24 नॉटिकल मील। अगर 24 नॉटिकल मील में घुस गया है, प्रवेश कर गया है, तो क्या है, यानी कि आपके घर के दरवाजे में कोई एंटर कर गया है, तो आप उसे चाय मिला के भेजोगे, भेजोगे चाय खिलाओगे ना, चाय या पानी, बिना चाय पानी पिलाए नहीं भेजोगे। तो यहाँ पर क्या है, अगर जहाज आपके 24 नॉटिकल मील के अंदर आ गया है, तो आप उसे कर लेना ही लेना है, चाहे भले वो आपके दरवाजे में झांकने ही क्यों ना आया हो। झांका क्यों आपने, अब झांक लिया है तो आप मुझे कर दो। अब आप मेरे घर आए तो चाय, नहीं नहीं नहीं, अरे हम बस ऐसे ही आए थे, मेहमान होते ना कभी, अरे नहीं बस हम आए थे, बस थोड़ा सा काम था, अब हम जा रहे हैं, तो आप कहते तो नहीं, आप जब आए तो चाय तो पीते जाइएगा। तो यहाँ पर भैया जब आप आए हैं तो कर तो देके जाइएगा। अगर आप यहाँ से यहाँ निकल जाते, आप हमारे दरवाजे नहीं आते, बिल्कुल बाहर निकल जाते, तो हमें आपसे कोई मतलब नहीं था, हम आपको चाय नहीं पिलाते। अगर आप बाहर निकल जाते तो हम आपसे कर नहीं वसूलते, पर आप 24 नॉटिकल मील में आ गए तो हम आपसे कर लेंगे ही लेंगे। समझ में आ गया, कर करो कुछ भी। अब यहाँ पर 200 नॉटिकल मील तक, यानी कि आप हम क्या है, अपने दरवाजे के बाहर रोड कर, अब एकदम रोड तो शुरू नहीं हो जाती, एकदम रोड शुरू हो जाती है क्या, थोड़ा सा रोड और घर के बीच में एक मिट्टी सा गैप रहता है ना, तो जो मिट्टी सा गैप रहा है वो ये चीज आ गई, कौन सी चीज आ गई, मिट्टी सा गैप। अब यहाँ पर आप अपनी बाइसाइकिल वगैरह खड़ी कर सकते हो, कर रहे हो ना, अपनी बाइसाइकिल वगैरह बाहर गेट के बाहर खड़ी कर देते, हाँ रोड की पटरी के बीच में। तो यहाँ पर ये समझ लो 200 नॉटिकल मील तक, अगर आपको, अगर आपको कोई अनुसंधान करना है वो आप कर सकते हो। अब इसके बाद जो बाहर, अब बाहर रोड आ गया, ऐसा तो नहीं है कि आप अपनी गाड़ी रोड पे खड़ी कर दोगे, चला सकते हो पर खड़ी नहीं कर सकते हो। आप भी कर सकते हो, आपके पड़ोसी भी रोड पे गाड़ी चला सकते हैं, पर आपके दरवाजे के आपका पड़ोसी खड़ी कर सकता है गाड़ी, अगर बहुत अच्छा पड़ोसी होगा तो आप एडजस्ट कर लोगे उसके साथ, अगर पड़ोसी अच्छा नहीं है तो आप कहोगे अपनी गाड़ी हटाओ, है ना। सेम बात यहाँ पर है, 200 नॉटिकल मील तक भारत अनुसंधान करेगा, पड़ोसी को अनुसंधान करने की अनुमति इसमें नहीं है, जबकि खुला समुद्र होगा उसमें क्या है, भारत भी करेगा, भारत का पड़ोसी भी करेगा, जैसा रोड पर आप भी चलेंगे, आपका पड़ोसी भी चलेगा और दूसरे देश दूसरे शहर के लोग भी चलेंगे। क्लियर हो गया इतनी बात की नहीं? चरण अब मुझे बताओ भारत में कितने राज्य हैं, कितने यूटी हैं? 28+8 28 राज्य कौन कौन से हैं विद कैपिटल? आप राज्य बताते जाओ, सामने से कैपिटल बताते जाओ, कौन सी दिक्कत है, एक एक करके बताओगे? ऐसे नहीं, एक एक तुम ही सब बता दोगे तो ये लोग बेचारे क्या करेंगे, बस यूपी के बाद किसी को नहीं पता है क्या? इतनी तो उम्मीद कर सकती हूँ कि आपको भारत के सारे राज्यों की राजधानी साथ में यूटीज की राजधानी पता होगी, इतनी तो मैं उम्मीद कर सकती हूँ। चलो स्टेट के नाम पहले ले रही हूँ, कैपिटल आप बताते जाना, शांत हो जाओ सैम।
चंडीगढ़ यूपी है, इसलिए मैंने इसका नाम ही नहीं लिया है। पंजाब के बता दी, पंजाब के बाद हिमाचल के, ठीक है, हिमाचल के बाद उत्तराखंड, उत्तराखंड के देहरादून, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, कोलकाता, सिक्किम, सिक्किम की गैंगटॉक, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, नागालैंड, नागालैंड की कोहिमा, मणिपुर की इम्फाल, मिजोरम की दिल्ली हो गई।
चंडीगढ़ आपका छठा हो गया, सातवां आठवां जम्मू कश्मीर, सातवां और आठवां जम्मू कश्मीर, ये आपकी क्या है आठ यूटी है। सबका कंफर्म है। इम्पोर्टेंट कौन सी है आपकी? पांडुचेरी। पांडुचेरी के चार जिले हैं, चार जिले तीन राज्यों में अवस्थित है। यमन का है, माए केरल में, ये क्या है आपके यूटीज हैं। आप मुझे कैप्टन बता दो, दमनंदी नगर दादा नगर सेवा कैप्टन, कैप्टन देख लो पुडुचेरी की, पुडुचेरी खुद है। अंडमान निकोबार की पोर्ट ब्लेयर कहां पर है? दक्षिणी अंडमान में। दिल्ली खुद ही है अपने आप में क्या है कैपिटल है, चंडीगढ़ अपने आप में क्या है कैपिटल है, जम्मू कश्मीर की कैपिटल क्या है श्रीनगर, लद्दाख की लेह। कैपिटल याद रख लेना। और इसके तो बताइए लक्षद्वीप की कवरत्ती, क्या हुआ जा रहे हो तुम्हारी क्लास है ना? बनाना नहीं है मैप पे, मैंने तुम्हें लोकेशन दिखा दी है। जब आप अपने घर में मैप बनाओगे तो लोकेशन बना लेना, लोकेशन पता होनी चाहिए। नहीं अभी नहीं हुई है, इन लोगों को कॉलेज जाना है ना। अभी देखते हैं कितने मिनट है, अभी एक तेरा अभी लेट स्टार्ट हुई है ना, इतना हो गया समझ में आ गया यूटी। नॉर्मली क्या पूछा जाता है देखो, अगर पहली बात तो अब मुझे नहीं लगता कि इस टाइप के क्वेश्चन हम बनेंगे और बाय चांस बन भी सकते हैं। नॉर्मली होता है, हमारा माइंडसेट होता है कि इतना इजी है, अब नहीं है, अब आप देख लो ये बना दे तो हम सीमा से ज्यादा, सीमा से ज्यादा बनाएंगे, कौन सी सीमा ये नहीं है, सिंपल रहा है। अब ज्यादा सिंपल नहीं आएंगे, अगर सिंपल आएंगे भी ना उसको ऐसे कन्वर्ट करेंगे पैरा में, समझ में आ गया। स्टेटमेंट देंगे, चार पांच स्टेटमेंट दे देंगे, फिर पूछेंगे निम्न में से कौन सा सही है। अब एकदम आपसे क्वेश्चन पूछा और डायरेक्ट आंसर निकल रहा है इस टाइप का भी पूछेंगे, जैसे अभी तक हम पढ़ रहे थे एकदम क्वेश्चन पूछ रहे, मतलब क्वेश्चन पूछा और डायरेक्ट आपका आंसर निकल रहा था, अब इस टाइप के नहीं आएंगे। अगर आएंगे भी तो क्या स्टेटमेंट करके आएंगे, नॉर्मली पूछा जाएगा ऐसे। देखो भारत की जो क्या है मानक समय रेखा है वो पांच राज्यों से होकर गुजरती है, इतना आपको सबको पता है। पांच की जगह हम क्या कर देंगे, या तो राज्य के नाम दे देंगे, उसमें कोई ऐसा राज्य डाल देंगे जिसका जिससे होकर नहीं गुजरती, ऐसे या क्रम वाइज पूछेंगे पश्चिम से पूरा, यानी कि अगर आपसे मानक रेखा पूछी जाएगी तो उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर, ये पूछा जाएगा पूरब से पश्चिम या पश्चिम से उत्तर। नॉर्मली नाम सबको याद रहते हैं, सीक्वेंस याद नहीं कर पाते हैं क्योंकि मैपिंग अगर आपके दिमाग में होंगे तो आप ये चीज कर लोगे। जैसे अभी आप लोगों ने पूछा, आप पूरब से पश्चिम पूछ गया, पश्चिम से पूरब, दिमाग में आपको क्या होना चाहिए मैप, कौन से स्टेट कहाँ पर है ये भी पता होनी चाहिए। जैसे अभी सीक्वेंस से चले हो बिल्कुल वापस आते गए वहीं पर सीक्वेंस पर रुके, ये भी पता होना चाहिए। दूसरी बात, अभी ये तो हो गया, जब मैं अभी मैंने आपको तटीय नहीं बताया, भारत के तटों के नाम नहीं बताए, कोरोमंडल मालाबार भूकल ये सब चीजें मैं नहीं बताई, उत्तरी सरकार ये चीज इसलिए भी बताएंगे, जब बंदरगाह पर होगे उससे मैं बताऊंगी उसी में सीधे।
है ना, इसलिए मैंने ये चीज आपको नहीं बताई। भारत की अवस्थिति हो गई, अब हम बात करेंगे भारत की भौगोलिक स्थिति। भौगोलिक यानी कि फिजिकल, भारत में फिजिकल। अब भारत की जो आप स्थिति देख रहे हो, क्या इस समय ऐसी है? आप नॉर्मली देखो, एक छोटा सा बच्चा देखो, होता है तो उसको कुछ नहीं पता होता है। अब आप बोलने भी लगे हो, है ना, इंग्लिश भी जानते हो, हिंदी भी जानते हो, मैथ भी जानते हो, कितनी सारी चीजें जानते हो कि नहीं? ये सब चीजें क्या एक ही बात में कन्वर्ट, एक ही बात में आ गई? जब आप पैदा हुए तभी आ गई थी? नहीं ना, धीरे धीरे क्या हुआ, आपकी स्थिति में परिवर्तन आया, आप ये सब चीजें सीखते गए। ऐसे भारत की भौगोलिक स्थिति जो आप देख रहे हो, भौगोलिक स्थिति में क्या देख रहे हो? मरुस्थल भी देख रहे हो, पठार भी देख रहे हो, पर्वत देख रहे हो, नदियां देख रहे हो, और क्या देख रहे हो? झीले भी देख रहे हो। हाँ, और क्या देख रहे हो? सागर समुद्री भारत में होंगे। अब हम बात करेंगे भारत की मुख्य भूमि के अंदर। जब हम भारत की भौगोलिक स्थिति की बात करेंगे तो भारत की मुख्य भूमि के अंदर करेंगे ना, भारत की मुख्य भूमि में हिल स्टेशन। छुट्टियां मनाने कहाँ जा रहे हैं? मसूरी, नैनीताल, डलहौजी, यहाँ जा रहे हैं ना, तो ये क्या हिल स्टेशन हो गए। लद्दाख, ये लद्दाख जा रहे हैं, जाते हैं, तो ये हिल स्टेशन हो गए, यानी कि पर्वत। मरुस्थल जाओगे, मरुस्थल में क्या, राजस्थान जाओगे मोस्टली, है ना, क्योंकि भारत में क्या मरुस्थल कहाँ पाए जा रहे हैं? पश्चिमी में, पश्चिमी भारत यानी कि राजस्थान के क्षेत्र में। उसके बाद क्या पाए जा रहे हैं? पठार पाए जा रहे हैं। दक्षिण भारत का जितना भी क्षेत्र क्या है? पठारी है। पहला मैंने बताया पर्वतीय। अब जहाँ हम लोग रह रहे हैं उत्तरी भारत में, क्या है अपने यहाँ पठार दिखते हैं क्या? पठार देख रहे हो अपने यहाँ, पहाड़ देख रहे हो अपने पीलीभीत में, अपने उत्तर प्रदेश में पहाड़ देख रहे हो। अभी हमें कह रहे हैं मौसम साफ होता है तो हमें पहाड़ भी दिखते हैं, वो तो दूरी पर है ना, ऐसा नहीं है कि घर से निकले हमें पहाड़ दिखने लगे, यहाँ पहाड़ पे खड़े हैं, मौसम साफ है तो दिख ही रहे हैं, पर नॉर्मल हमें पहाड़ यहाँ पर नहीं है, क्या है हमारा मैदानी क्षेत्र है। तो भारत की जो भौगोलिक स्थिति में पड़ेगी हम पर्वत, पठार, मैदान, द्वीप समूह, और क्या है इसके अलावा मरुस्थल। ठीक है, पांच छह चीजें हैं जो हम पढ़ेंगे। 10-5 मिनट का ब्रेक ले लो।